देखिए बहुत स्पष्ट है, ये चुनाव जिला की इकाई और शहर की इकाई तय करती है, और इस चुनाव और जो प्रदेश की जो चुनाव होते हैं वो चुनाव जो है प्रदेश की इकाई तय करती है, और जो केंद्र के चुनाव होते हैं वो केंद्र की इकाई तय करती है। प्रदेश के अंदर चुनाव हो चुके हैं, ये जिला और शहर की इकाइयों के चुनाव हैं जो फैसला करेंगी, और उनका मानना ये है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की गुडविल का सवाल होता है, ये उनकी अपनी पहचान होती है, कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी की नीतियों के साथ अपनी पहचान बनाता है लोगों के बीच में, तो ये गली मोहल्ले के अंदर उसकी पहचान उसका उसकी अपना जो काम वो नज़र आता है, ये एक कनेक्ट है। इस कनेक्ट को जो है कार्यकर्ता जो है पार्टी के लेवल पर शामिल लेकर जाता है लोगों के बीच में ज़मीन तक। तो ये चुनाव तो तय हो चुका था पहले से कि हमेशा ही अकेले लड़ने का सवाल था, स्थानीय चुनाव है, ये अकेले लड़ना चाहते हैं और हम अकेले लड़ रहे हैं, ऐसा जो है सभी साथियों का मानना है और हमारे नेतृत्व के बीच में भी हमारे साथियों ने बात कही है। दूसरी बात ये कि मेयर का और जो चुनाव जो होता है वो 14 मेयर हैं, जैसे वो 2.5 से 3 जो है असेंबली सीट होती हैं, विधानसभा का क्षेत्र होता है, उसके अंदर किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग जो पहले भी होती आई हैं अभी भी होंगी, वो अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे होती हैं वो जो है प्रदेश के लेवल पर नहीं होती हैं, वो ज़िले और शहर के लेवल पर होती हैं, जिसमें चेयरमैनी के चुनाव हैं, जिसमें मेयर के चुनाव हैं, तो ये चुनाव जो है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव है, नगर अध्यक्ष के जो चुनाव, तो ये तमाम चीज़ों को जो है ये पूरी तरह से छूट है शहर की और ज़िले की इकाइयों को।